अल्बाइनो रेडा इसका मेल है और इसके साथ पार्बली पेस्टल इन्हें भी फीमेल है, लेकिन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पेयर है और ये मुमताज भाई की ब्लड लाइन है। मुमताज भाई से बाय किया था ये मैंने पेयर। सर ये भी वायलेट अप्लाइनिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज भाई की ब्लड लाइन है, बहुत जबरदस्त पेयर है इसकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, 5 से 6 अंडों की एवरेज है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। ये ग्रीन अप्लाइन इसलिए ग्रीन बी टू का मेल है और ब्लू अप्लाइन की फीमेल है, तो अभी फीमेल के एग्स पर माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इसके अंदर जो अल्बाइनो रेडस की फीमेल है वो कन्फर्म ब्लू टू है और अल्बाइनो रेडस के इसके साथ मैंने मेल लगाया है। ये रेड टू रेड का पेयर है माशाल्लाह, ये हर क्रश में मेरे को तमाम बच्चे क्रीमियर निकालते हैं, 4 से 5 एक्सिस के अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज है माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी का जोनाथन ब्लड लाइन का पेयर है, जोनाथन ब्लड लाइन का एसीपी रिंग बेड है, मुमताज भाई का क्लोज रिंग डाला हुआ इसके अंदर। सर ये क्रीमिनो अपलाइन की वर्किंग का बेड है, इसके अंदर ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और पार्बलू अपलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त क्वालिटी का बेड है मेरा, ये ब्लूटूथ वर्किंग का बेड है मेरे पास। मैं अल्बाइनो रेडा इसका मेल है और क्रीमिनो की फीमेल है, ये भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पेयर है मेरा। ये जो है ग्रीन पेल्फेलो स्प्लिट ब्लू एंड ब्लूटूथ स्प्लिट अपलाइन का मेल है इसके अंदर, और वॉलेट ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और अल्बाइनो रेडा इसकी फीमेल है, इसमें से जितनी भी फीमेल आने के चांसेस हैं इसमें पार्बलू स्प्लिट इनो का मेल है और लोटिनो फिशरी रेडा इज स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, ये ब्लूटूथ वर्किंग का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड्स 007 में उत्थान अहमद व्यूअर्स, आज हम आपको एक ऐसे ब्रीडर से मिलाने जा रहे हैं जिसने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की, अल्लाह पाक मजीद इनके काम में बरकत अता फरमाए, और ये एक तरह से कहते हैं ना कि छुपे हुए ब्रीडर थे, तो हमने इनको ढूंढ निकाला और इंशाल्लाह आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनका सेटअप दिखाएंगे, इनके सेटअप में मौजूद हूँ तो इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे और आप भी देख के इनका सेटअप माशाल्लाह खुश हो जाएंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बेहतरीन सेटअप इन्होंने डेवलप किया है, वो भी अगर आप सुनेंगे कि सिर्फ 2 साल के अरसे में माशाल्लाह इतना बेहतरीन काम इन्होंने किया है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल के अरसे में इस तरह से अपने सेटअप को डेवलप करते हैं, कंट्रोल करते हैं और नीट एंड क्लीन इनका माशाल्लाह माशाल्लाह जो सेटअप है बेहतरीन, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। और साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी खूबसूरत वीडियोज़ हमेशा आपको मिलती रहें। और असल में ये वीडियो बनाने का मकसद है जो न्यू फैंसर मार्केट में आ रहे हैं, इस हॉबी में आना चाह रहे हैं, तो उनकी हॉबी को प्रमोट करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि एक अच्छा सेटअप डेवलप कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें, क्योंकि अच्छी अर्निंग करने का मकसद ये होता है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम ये काम भी करते हैं तो माशाल्लाह आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बन रही है न्यू फैंसर के लिए खासकर, तो ज़रूर देखिएगा और माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल उनको दिल से शुक्रिया, और जो लोग देख रहे हैं मेरे चैनल्स को मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को उनका भी दिल से शुक्रिया, तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको इसमें सीखने को ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं हम अपने दोस्त की तरफ की बात। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इरफान जी, आप सुनाए खैरियत से? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे पास आए हैं, और मेरा नाम है फरूख अली और मुझे इस हॉबी में तकरीबन 2 साल का अर्सा हो गया है, तकरीबन 2021 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, शौक के तौर पे पहले किया था, उसके बाद मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत मज़ा आया था, मैंने इसको बिजनेस के लिहाज से कर लिया।
यानी पहले आपने शुरू किया तो फिर मजा आने लगा, तो माशाल्लाह टिक गया अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से टिक गया जी। इंशाल्लाह हम आपको अपना सेटअप विजिट कराते हैं, कौन कौन से बेड लगाए हैं मैंने आपको। सर वैसे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पार्क ब्लू अपलाइन ग्रीन अपलाइन के पेयर लगे हुए हैं, क्रीमिनो डेकिनो लगे हुए हैं और पार्क ब्लू स्प्लिटिनो टू अल्बाइनो रेडेस लगे हुए हैं, कुछ पेल फेलो के स्प्लिट लगे हुए हैं, कुछ विजुअल पेल फेलो लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेल फेलो भी मजबूत लगे हैं। सर ये क्रीमिनो अपलाइन की वर्किंग का बेड है, इसके अंदर ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और पार्क ब्लू अपलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल है। इसके अंदर से जितने भी बेड आएंगे क्रीमिनो अपलाइन आएंगे, अल्बाइनो अपलाइन आएंगे और लोटिनो अपलाइन आएंगे जो स्प्लिट B1 B2 होंगे और इसमें ग्रीन अपलाइन और पार्बुलो अपलाइन दोबारा से आएंगे इसके अंदर। अच्छा माशाल्लाह, जो इसमें पार्बुलो अपलाइन है जो ग्रीन अपलाइन आएंगे इसमें जी जी, तो वो स्प्लिट किसके होंगे? वो स्प्लिट B1 B2 भी होंगे और पॉसिबल स्प्लिट इन्हें भी होंगे। अच्छा माशाल्लाह, और पार्बुलो अपलाइन या ब्लू अपलाइन जो आएगा इसके अंदर वो भी पॉसिबल स्प्लिट इन्हों में जाएगा। सर ये भी वायलेट अपलाइन है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज भाई की ब्लड लाइन है, बहुत जबरदस्त पेयर है इसकी माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, 5-6 एंडो की एवरेज है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी का जोनाथन ब्लड लाइन का पेयर है, जोनाथन ब्लड लाइन का SCP रिंग बेड है, मुमताज भाई का क्लोज रिंग डाला हुआ है इसके अंदर। इसके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड भी आएगी, उसकी कुछ फॉस्टर दी है मैंने। जी जी फॉस्टिंग भी की है मैंने, वो आपको बोल दिखा दूंगा। और वो इसके बारे में बताएं सर, ये जो है ग्रीन पेल्फेलो स्प्लिट ब्लू एंड ब्लू टू स्प्लिट अपलाइन का मेल है इसके अंदर और वॉलेट फिशरी स्प्लिट पेल्फेलो की फीमेल है, ये भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पेयर है और इसके अंदर जो मेरे पास फार्बलो अपलाइन पेल्फेलो आने के भी चांसेस है, ब्लू अपलाइन पेल्फेलो आने के भी चांसेस है और जो अपलाइन में आएंगे विजुअल और सब अगर जो है फीमेल्स होंगी और जो मेल होंगे वो स्प्लिट वो पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन हो जाएंगे, पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन। हाँ और जब यानी कि स्प्लिट पहले पहले होंगे विजुअल लेकिन पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन भी होंगे, पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन भी होंगे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, दिल खुश हो गया देखकर। और इसके बारे में बताएं सर, इसमें अल्बाइनो रेडस का मेल है और क्रीमिनो की फीमेल है, ये भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पेयर है मेरा, इसमें पिछले सीजन में माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है इसकी, बहुत अच्छे पिस निकाले इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह ग्रीड आप ले चुके हैं? जी जी इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके 3 क्लास पिछले सीजन में ले चुका हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होगा। सर ये भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त क्वालिटी का बेड है मेरा, ये ब्लू टू वर्किंग का बेड है मेरे पास, इसमें वॉयलेट पार्बलू डबल फैक्टर का मेल है और पार्बलू सलेटी की फीमेल है, ये ब्लू टू वर्किंग का बेड लगाया हुआ मैंने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्लू टू वर्किंग चल रही है। ये सिंपल पार्बलू जी, पार्बलू सिंपल है और इसमें तो जो पार्बलू आएंगे वॉयलेट के अंदर भी सलेटी में भी और जो ब्लू फिशरीज आएंगी इसके अंदर वो पॉसिबल ब्लू टू होंगे। आप लोग माशाल्लाह जरूर लिखिएगा कमेंट में और कहिएगा जरूर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ब्लड हैं और बहुत अच्छे ब्लड बरूबर दिखाए। अच्छा बरूबर इसके बारे में बताएं सर, ये अल्बाइनो रेडा इसका मेल है और इसके साथ पार्बलो पेस्टल इन्हें की फीमेल है, ये भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पेयर है और ये मुमताज भाई की ब्लड लाइन है। अच्छा। मुमताज भाई से बाय किया था ये मैंने। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह मुमताज भाई जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज भाई की ब्लड लाइन है, निकोला ग्रेनी मुमताज भाई की ब्लड लाइन है, वायलेट अपलाइन टू ग्रीन अपलाइन वो पेयर भी मेरे पास है, वो भी दिखाता हूँ और इसके अंदर पार्बलो पेस्टल इन्हें की ये फीमेल है माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बाहर आ गई आप दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को, दिखा ये माशाल्लाह पार्बलो पेस्टल इन्हें की मुमताज भाई की ब्लड लाइन है, ये मुमताज भाई से पर्ची है। सर जो मुमताज भाई से मैंने बेड लिया था जोनाथन ब्लड लाइन का SCP रिंग बेड, उसके जो चिक्स आए हैं वो मैंने इसमें फोस्टर किए हैं इस पेयर में, तो फिर आप पेयर दिखा दें, ये वॉलेट पार्बलू सिंपल वॉलेट पार्बलू की फीमेल है और ग्रीन टीशर्ट स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट ग्रीन टीशर्ट स्प्लिट B1 B2 स्प्लिट अपलाइन का मेल है और ये जो मेल है ये भी मैंने मुमताज भाई का मेल है, ये भी मुमताज भाई की ब्लड लाइन है, ये मेल है इसके अंदर और इसके जो चिक्स मैंने फोस्टर किए हैं वो इसके नीचे कर देते क्योंकि इसके जो अंडे आया था वो इनफर्टाइल थे तो मैंने इसके अंदर फोस्टर कर दिया, तो वो चिक्स आपको दिखाता हूँ, तो ये माशाल्लाह इसमें कुछ चिक्स आ चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह जरूर कहिएगा। इसमें 3 बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे, 3 बच्चे हैं और एक अंडा इसी का ही है, वो एक अंडा फर्टाइल है बाकी इसके इनफर्टाइल अंडे आए, माशाल्लाह माशाल्लाह फर्टाइल है। और इसके बारे में बताएं सर, इसमें पार्बुलो स्प्लिट इनो का मेल है और लोटिनो फिशरी रेडा है स्प्लिट ब्लू की फीमेल है,
ये ब्लूटूथ वर्किंग का बेड है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बेड है। इस एवरी में मुझे जो सबसे ज्यादा प्यारा बेड है वो फिलहाल यही है सर, मेरा खूबसूरत। और इसके अंदर से जो चिक्स आते हैं क्रीमिनो फिशरी आएंगे और अल्बाइनो फिशरी आएंगे, पार्बलो फिशरी स्प्लिट इनो आएंगे, लोटिनो फिशरी रेड आइज स्प्लिट ब्लू एंड ब्लूटूथ मेल फीमेल दोनों आएंगे। जो लोटिनो फिशरी आएंगे इसके अंदर रेड आई और ब्लैक आई वो पॉसिबल ब्लूटूथ में जाएंगे माशाल्लाह बहुत ज्यादा। इसमें ग्रीन फिशर भी आया था जो स्प्लिट ब्लू एंड ब्लूटूथ स्प्लिट इनो का मेल होगा, ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पेयर है। और प्रॉपर जितने भी बर्ड आते हैं इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इस पेयर की ये है कि तमाम बर्ड फिशरी के अंदर आते हैं। इसमें बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सर, ये ग्रीन अप्लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और अल्बाइनो रेड इसकी फीमेल है। इसमें से जितनी भी फीमेल आने के चांसेस हैं वो लोटिनो अप्लाइन स्प्लिट लोटिनो अप्लाइन की फीमेल आएंगी इंशाल्लाह इसमें, और अल्बाइनो अप्लाइन की फीमेल आएंगी और ग्रीन अप्लाइन आएंगी फीमेल जो स्प्लिट इनो हो जाएंगी, और जो मेल आएंगे वो सब के सब ग्रीन में आएंगे स्प्लिट अप्लाइन स्प्लिट इनो होंगे, जो ब्लू में आएंगे वो भी स्प्लिट अप्लाइन स्प्लिट इनो में होंगे। ये लोटिनो अप्लाइन की वर्किंग का बर्ड है। सर ये क्रीमिनो का मेल है इसमें लगा हुआ और डेकिनो की फीमेल है, माशाल्लाह मेरा बहुत जबरदस्त पेयर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बर्ड है और इसकी फीमेल ने अलम्बी ले एच बी ले किया है बॉक्स में माशाल्लाह जी। और इसके अलावा ये नीचे मेरे पास ग्रीन अप्लाइन टू ब्लू अप्लाइन का पेयर है, ये भी बॉक्स के अंदर है, ब्रीडिंग के ऊपर है, अगर आप चाहें तो अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। ये बर्ड है अलहमदिल्ला दिखा सकते हैं, ये ग्रीन अप्लाइन इसलिए बी वन बी टू का मेल है और ब्लू अप्लाइन की फीमेल है, तो अभी फीमेल के एग्स पर है, लोड है अंडों पे। इसके अलावा नीचे भी ये बर्ड है, ये पेयर है, ये ब्लू पेस्टर इनो कंफर्म ब्लू टू का मेल है इसके अंदर और अल्बाइनो रेड आइस की फीमेल है। ये भी माशाल्लाह मेरा ब्लू टू वर्किंग का बहुत जबरदस्त पेयर है, तो जब यार अपने व्यूअर्स को दिखा दें सर, ये मेरा कंफर्म ब्लू टू का पेयर है, इसके अंदर जो अल्बाइनो रेडस की फीमेल है वो कंफर्म ब्लू टू है और अल्बाइनो रेडस के इसके साथ मैंने मेल लगाया है, ये रेड टू रेड का पेयर है माशाल्लाह। ये हर क्लच में मेरे को तमाम बच्चे क्रीमिनो निकालते हैं, 4 से 5 एक्सीस के अलहमदिल्ला एवरेज है और तमाम बच्चे जितने भी चिक्स इसके आते हैं सबके सब क्रीमिनो होते हैं अलहमदिल्ला सर। इनके अंदर जितने भी बर्ड है तमाम के तमाम स्प्लिट इनो है, इसके अंदर ब्लू फिशरीज है स्प्लिट इनो, इसमें आपको पार्बलो स्प्लिट इनो नजर आ रहे होंगे, और इसके अंदर ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो है, और इसके अंदर लोटिनो फिशरी ब्लैक आई स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो भी 2 पीस पड़े हैं इसके अंदर। इसमें ब्रीड वगैरह आई है आपके पास? सर अभी इसमें ब्रीड नहीं आई, लेकिन ये नेस्टिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ले जाना शुरू कर दी है, नेस्टिंग कंप्लीट कर दी है, इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है बहुत जल्द इसकी भी ब्रीड आ जाएगी। अरे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अच्छा अगर आपके पास कोई बर्ड अवेलेबल है हमारे मेंबर देखना चाह रहे हैं जी, अगर वो लेना चाहें तो कोई ऐसे बर्ड हैं जो आप दिखा सके उनको? सर कुछ मेरे पास फर्स्ट ब्रीड के रेडी टू फर्स्ट ब्रीड के कुछ बर्ड हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो फॉर सेल है मेरे पास लगे हुए, तो ये कुछ बर्ड हैं ये आप दिखाएं अपने व्यूअर्स को, ये तमाम बर्ड फॉर सेल है। इसके अंदर जो है अल्बाइनो रेडस की अडल्ट फीमेल है, और ये जो आपको स्टिक पे नजर आ रहा है ये डेकिनो का मेल है, ये भी अडल्ट है। ये जितने भी बर्ड है इसके अंदर तमाम के तमाम 10 मंथ प्लस है, तमाम बर्ड जितने भी है इसके अंदर, और इसके अंदर सिर्फ एक पेस्टर इनो है वो जो आप दिखाए अपने व्यूअर्स को, वो इस जाली पे जो है वो उसकी 7 मंथ है, जो नीचे वाला पेस्टर इनो, और बाकी इसके अंदर कुछ ग्रीन अप्लाइन के 3 मेल है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त क्वालिटी के अंदर जम्बो साइज में स्प्लिट ब्लू एंड ब्लू टू है और बहुत बेहतरीन डीएनए टेस्टेड मेल है ग्रीन अप्लाइन के, इसके अंदर 3 और एक वो फीमेल है, सॉरी 2 उसमें मेल है एक फीमेल है ग्रीन अप्लाइन की, और जी वो कोने पे जो है फीमेल है, और ये जो दोनों स्टिक पर है ये दोनों मेल है। स्प्लिट ब्लू कन्फर्म है ये, इसमें एक पीस इसमें ब्लू एंड ब्लू टू है आगे वाले है ना, इसमें ब्लू एंड ब्लू टू आगे उससे बैक साइड पे जो है
वो सिर्फ स्प्लिट ब्लू है, उससे ब्रीड लीजिए फर्टाइल मिलेगा। अच्छा, इस ब्लू एंड ब्लू टू के साथ अगर आप पाब्लू लगाया जाए फीमेल, जी जी, तो क्या रिजल्ट आएगा सर? इसके अंदर आपके पास ब्लू अपलाइन आएंगे, पाब्लू अपलाइन आएंगे, और जो ग्रीन अपलाइन आएंगे वो आपके पास पॉसिबल ब्लू टू होंगे। अगर ये कन्फर्म ब्लू टू होता है, जो आपके पास ब्लू टू ब्लू अपलाइन ब्रीड में से आता है वो कन्फर्म ब्लू टू होता है। लेकिन पहले मेरा मशवरा ये होगा, जिस भाई को भी चाहेंगे, पहले आप इसको टेस्ट लेने के लिए इसका ब्लू अपलाइन लगाएं, ताकि पहले कंफर्म हो जाए ये ब्लूटूथ है या नहीं। अगर इसमें जो पार्क ब्लू अपलाइन बच्चे आ गए तो समझ लें ब्लूटूथ। फिर उसके बाद आप इसको पार्क ब्लू अपलाइन के साथ पेयर करेंगे, तो इसमें जो ब्लू बर्ड आएंगे ना, ब्लू अपलाइन मेल हो या फीमेल हो, वो कन्फर्म 100% ब्लूटूथ होंगे। यानी इसके बाद अगर आप ब्लू अपलाइन लगाते हैं, जी, ब्लू अपलाइन लगा के अगर ये ब्लूटूथ ना हुआ, जी, तो उसमें जो बच्चे आएंगे वो क्या आएंगे सर? वो आपके पास ग्रीन अपलाइन इसलिए ब्लू होंगे, और ब्लू अपलाइन आएंगे, ब्लू अपलाइन फीमेल आएंगे, जी, मेल फीमेल दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। ग्रीन अपलाइन तो दोनों अपलाइन होंगे, मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे, माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। और एक इसके अंदर दिखाने, एक इसके अंदर जो है ना, ये पेस्टल इनो अपलाइन की फीमेल है, ये स्टिक पे बैठी है ना, याद देखें आप, पार्बुल अपलाइन के ग्रीन अपलाइन, पार्बुल अपलाइन के सेंटर में, ये पेस्टल इनो अपलाइन की एडल्ट फीमेल है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये मिल जाएगी। जो आपने अवेलेबल जो बर्ड दिखाए जो वेट कर रहे हैं अपने नए घर के चक्कर में, तो अगर हमारा कोई मेंबर जो भी आपसे रब्ता करे तो उसके लिए कुछ रियायत भी दीजिएगा, और आसानी से बर्ड लेकर उसको आप जरा उसको गाइड भी दीजिएगा, क्योंकि आप गाइड कर सकें। सर, सबसे पहले तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी न्यू फ्रेंड, जितने भी बंदे रब्ता करते हैं अक्सर न्यू फ्रेंड से ही होते हैं, मेरी तो कोशिश होती है कि उनके भरपूर अच्छे तरीके से गाइड करें, ठीक है। जो भी आपके रेफरेंस से आएगा, सबसे पहले तो उसको अच्छे तरीके से भरपूर गाइड करूंगा, और जो बस चाहिए होगा इंशाल्लाह वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये आप दिखा सकते हैं, ये पैनाफ्लेक्स पे लिखा हुआ है, आप कॉन्टेक्ट नंबर दिखा दें मेरा। फर्रुख अली भाई, और इनका नंबर है 03152973956, और साथ में इनका यूट्यूब चैनल भी है फेर सुल्तान बर्ड के नाम से, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं फर्रुख भाई, तो उसको भी आप देखें। और साइड की बात है माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, क्योंकि एक बेहतरीन सेटअप ये चला रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और दिन इनसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ताबून किया हमारे साथ, और जजाकल्ला।